जैसे कि आज मेरे पापा का बर्थडे था तो मेरी छोटी सिस्टर खुद अपने हाथों से डेकोरेशन की है और डेकोरेट करते हुए खुद शायरी लिखी है गाइस, बहुत मस्त शायरी लिखी हुई थी तो पापा के लिए है। तो ब्लॉग दी हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को मैं जय माता रानी। गाइस पापी जा रहे हैं मार्केट और ये हमारा सवारी और देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। जैसे कल पापा का बर्थडे है तो आज केक का ऑर्डर देना पड़ेगा और बहुत सारा ऐसे है काम जो छोटे छोटे कामों हैं वो जाकर आज मैं कर लेती हूँ ताकि कल टाइम बचे हमारे पास। तो फिर मिलती हूँ आगे, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और जैसे कल पापा का बर्थडे है तो मैं आज जा रही हूँ केक का ऑर्डर देने के लिए गाइस। तो मैं केक शॉप पहुँच गई गाइस, तो वहाँ पे जो मुझे केक चाहिए था तो वो मुझे नज़र नहीं आया और अवेलेबल नहीं था तो मुझे ऑर्डर देना पड़ा गाइस। और जो मैंने ऑर्डर दिया वो एक दिन के बाद मिलेगा। तो वहाँ से मैं मार्केट की ओर निकल गई। तो मैं सोची जो मार्केट में छोटा छोटा काम है वो काम को फिनिश कर लूँ ताकि मेरे पास और भी टाइम बचे। तो मैं मार्केट की ओर चली गई। तो जो भी उपहार से गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बोलिएगा। और प्लीज़ गाइस आप लोग के लिए इतना मैं रिस्क लेकर देख रही हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ और छोटी सिस्टर में ब्लॉग कर रही है। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। जो चैनल में न्यू है वो जाकर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग के एक लाइक से और एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलने वाला है। तो मैं और भी कोशिश करूँगी अच्छा अच्छा ब्लॉग लाने की। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और देखिए मैं मार्केट में क्या ऐसे मतलब मुझे काम था। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिए और फुल ब्लॉग देखिए, इन्जॉय कीजिए और आगे देखते जाइए मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग स्किप ना करके फुल ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो कैसा रहता है गाइस, मैं ब्लॉगिंग कैसे करती हूँ वो भी एक बार मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे अच्छा लगे। और आप लोग देखिए मैं आगे क्या कर रही हूँ और तो आप फुल ब्लॉग देखिए। ये वाला वो लंबा वाला फोटो आ जाएगा ना उसमें। यहाँ पे पापा कुछ नहीं है। और देखिए और देखिए मॉडल देखिए। और मॉडल नहीं है, अब बड़ा बड़ा होगा। मैं गिफ्ट हाउस गई थी, छोटी सिस्टर को कुछ लेना था तो उसे पसंद नहीं आया तो मैं बैग शॉप चली गई गाइस। तो यहाँ पे बैग का बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन बहुत मस्त था तो मुझे मतलब बैग देखकर और मैं ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पास बहुत ऐसा कलेक्शन बैग का है तो भी मैं लेना पसंद करती हूँ। छोटे छोटे सामान कैरी करना मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं वो ग्रीन वाला बैग ली हूँ और बहुत सारा बैग था यहाँ पर, मैं कन्फ्यूज़ भी हो गई थी। और मेरी छोटी सिस्टर है जो वो इतना ही मतलब कंफ्यूज हो गई थी, देख रही है गाइस वो बैठ गई है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है नहीं लेना है। तो यहाँ पर बैग उनको अंकल दिखाए हैं जो बैग देख रहे हैं गाइस। तो वो पर्स ना बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है गाइस, तो आप लोग भी ज़रूर लीजिएगा। और मैं रील्स इसका बहुत जल्द देने वाली हूँ आप लोग को, तो बिंदास नीतू में जाकर आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। तो मुझे ये बैग मुझे बहुत पसंद आया है इसमें, मतलब मोबाइल आप पर्स में कैरी करना मुझे तो बहुत पसंद आता है, सभी को पसंद आता है कैरी करना।
तो आप लोग फुल ब्लॉग देख। हम आ गए मार्केट से गाइस, और ये रहा केक। आज पापा का बर्थडे है तो केक भी लेके आ गए हैं, और अभी मैं मार्केट से आई हूँ और अभी जा रहे हैं डेकोरेशन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कल मैरी क्रिसमस था, तो ये सब अभी हटाकर और अभी डेकोरेट करेंगे छोटा मोटा सा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आगे दिखाते हैं, डेकोरेशन कर लेंगे थोड़ा सा, हम भी रेडी हो जाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। आज का कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी ये छोटा सा करना पड़ा डेकोरेशन। और पापा आ गया है गाइस, तो पापा को चलिए सरप्राइज दूंगी मैं। और ये छोटा सा डेकोरेशन, हैप्पी बर्थडे, इधर केक रहा पापा के लिए। तो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने, रेडी होके आऊँगी तो उसके बाद फिर मिलती हूँ गाइस। पीछे का कैमरा सब कुछ कर लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जय के काटिए सिमू है ना, सिमू अरे दस सिमू हेलो काटिए के काटिए मोमबत्ती बुझलाओ मोमबत्ती छोटा यहाँ पे केक कट हो चुका है, पापा और छोटी को खिल छोटी खिला रहे पापा को। या पापा को गिफ्ट आई को बोलिए।
वेट 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 गाइस, आप लोग भागिए मत, डरिए मत, ये आराम से पापा गिफ्ट खोल रहे हैं, तो देखिए क्या निकलता है गिफ्ट से। तो मैं सोची थोड़ा सा मस्ती मजाक होना चाहिए, तो पार्टी का इंजॉयमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग वेट कीजिए और देखिए गिफ्ट में क्या है। तो मैंने मतलब थोड़ा सा पापा के साथ मस्ती करने के लिए मैं कुछ ऐसा गिफ्ट किया हूँ ताकि पापा मतलब स्माइल कर पाए। तो आप लोग देखिए, फुल ब्लॉग देखिए और इसकी मत कीजिए गाइस, देखिए। और ये रहा पापा का गिफ्ट, ओपन करने वाले हैं। ओ ओ माय गॉड, कोई स्माइल को इग्नोर कीजिए गाइस। और यहाँ पे देखिए, और एक अच्छा ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।